एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं करेले आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो बनाने में बिल्कुल आसान है और बेसिक मसालों से तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने करेले लिए थे, जिनको गोल गोल पतले आकार में काट लिया है। इनको मैंने क्या किया था, इनको नमक लगा कर 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और इसका कड़वापन खत्म हो जाए। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए थे, जिनको आप लंबे या इस आकार में आप गोल आकार में काट सकते हो। 2 टमाटर लिए हैं। तड़का लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पैन में तेल ले लिया है। इसमें थोड़ा ज्यादा तेल लगता है, क्योंकि हम करेले और आलू को फ्राई करेंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें जीरा डाल देंगे, और मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च ली है, जिनको मैंने 2 कट में काट लिया है। और साथ में हम आलू भी डाल देंगे, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको हल्का सा 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। पर हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आलू को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। अब साथ में हम करेलों को भी फ्राई कर लेंगे 2 मिनट बाद, और प्याज भी डाल देंगे। अब इनको अच्छे से पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक आलू और करेलों का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। यहाँ पर देखिए, करेले और आलू को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे खट्टापन लाने के लिए, और साथ ही हम सूखे मसाले भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सब्जी मसाला, अमचूर पाउडर। अब इसमें डालेंगे रंग वाली लाल मिर्च, ताकि कलर सब्जी का अच्छा आए। अब इन मसालों को आलू और करेले के साथ अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट और लगेंगे और करेले हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए। करेले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए, करेले को हमने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, सर्व करने के लिए रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनकर रेडी हुई है और बहुत कम समय में बनी है। पराठों के साथ ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है ये सब्जी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।